हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारा वोल्टिन सेक्शन होता है, जैसे ये हमारे जो लैपटॉप के बोर्ड होते हैं, तो इसमें जो वोल्टिन सेक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा एन चैनल वोल्टिन सेक्शन होता है और एक पी चैनल वोल्टिन सेक्शन होता है। तो इसको जब हम लोग क्लासेस में कराते हैं तो पहले आपको डायग्राम के थ्रू, जैसे हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये हमारा वोल्टिन सेक्शन एन चैनल का है। अब इसमें एन चैनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मॉस्फेट लगा हुआ है वो हमारा एन चैनल का यूज होता है। अब यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक पी चैनल का और एक एन चैनल का। तो इसको तो आप कंप्लीट जब ट्रेसिंग करते हैं तो आप सिमेटिक के द्वारा ही कंप्लीट ट्रेसिंग कर सकते हैं। बाकी जब आप फ्रेशर कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको पहले एक डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं, ताकि उसको कंप्लीट जब आप सिमेटिक पे ले जाए तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिमेटिक में जब जाते हैं तो वहां पे बहुत सारा लाइंस बना हुआ होता है, तो वहां पे उसे डाउट कंफ्यूजन आने लगता है कि कौन सा कहाँ पे कनेक्टेड है। इसके लिए पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप इस डायग्राम के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारा बोर्ड है, इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा डीसी इन कनेक्टर है, और यहाँ पे जो हमारा मार्किंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जो सबसे पहला जो हमारा ये एडाप्टर का सिंबल्स है, ये जो हमारा इन होता है, तो एक वायर के थ्रू जो कनेक्टर होता है उससे कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा क्या है, कनेक्टर का है जो पिन जहाँ पे हमारा इन होता है, तो पिन इन होने के बाद ये यहाँ से इस कनेक्टर से कनेक्ट होता है, जो वोल्टिन सेक्शन यहीं पे हमारा बना हुआ होता है। तो देखिए, यहाँ के बाद आपका एक कॉइल लगा हुआ होता है, किसी किसी बोर्ड में कॉइल लगा होता है, जनरेटर डायोड होता है या फिर फ्यूज होता है, तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चीजें कनेक्टेड हो सकता है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे कॉइल लगा हुआ नहीं है, जनरेटर डायोड है, तो किसी बोर्ड में आप देखेंगे तो एक कॉइल के थ्रू से ये आगे कनेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद फिर ये अलग अलग जगहों पे डाइवर्ट हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये 19 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी 19 वोल्ट आएगा इस डायोड पे। अब इस डायोड पे क्यों गया हुआ है, क्योंकि इस डायोड के थ्रू जो ये हमारा आईसी होता है इसको वीसीसी प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, तो ये वीसीसी इस आईसी को मिल जाता है, ताकि जब यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट आता है तो ये 19 वोल्ट हमारा यहाँ पे भी पहुंच जाता है इस मॉस्फेट के ड्रेन पे। और आप अगर मॉस्फेट के बारे में आपको पता होगा तो ये हमारा एन चैनल का मॉस्फेट है, और इसके ड्रेन पे इनपुट आएगा और इसके सोर्स से आउटपुट तभी होगा जब इसके गेट को इनेबल किया जाएगा। तो ये गेट कहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा आईसी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आईसी को इनेबल होना चाहिए, आईसी को वीसीसी मिलना चाहिए, तभी तो आईसी आगे वर्क करेगा। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे 19 वोल्ट मिल गया और दूसरे में यहाँ पे भी 19 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद ये वोल्टेज डिवाइडर बनाया और वोल्टेज डिवाइडर यहाँ हमारा ग्राउंड हो गया है। वोल्टेज डिवाइडर बंद करके यहाँ पे एसी डिटेक्ट, अगर आप आईसी को जब सिमेटिक में देखेंगे तो एसी डिटेक्ट के नाम से ये पिन होता है, जहाँ पे इसको इनेबल के लिए आईसी इनेबल आता है, और यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 2.5 वोल्ट यहाँ पे मिलता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें कि 2.5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, या फिर 2.5 वोल्ट क्यों मिल रहा है, तो अभी जो वोल्टेज डिवाइडर होता है इसके फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में, वोल्टेज डिवाइडर के बारे में कम्प्लीट जानना हो, तो आप हमारे चैनल पे वोल्टेज डिवाइडर और SMTC सर्च करेंगे तो आपको वोल्टेज डिवाइडर के बारे में कम्प्लीट आपको मिल जाएगा, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाएं कि जो भी हमारा इनपुट होता है, जैसे अगर हम बताना चाहें तो अगर हम 10 वोल्ट इन करें तो इसका फॉर्मूला होता है V2 इंटू वी इन बटे ये आपका होता है R2 और R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि अगर हम ये बताने लगेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे इसको इनेबल मिल जाएगा, तो जब इनेबल मिल जाएगा और एक यहाँ पे पिन इसका ग्राउंड होता है, ग्राउंड भी मिल जाएगा, तो ये हमारा आईसी अगर ओके होगा तो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद ये गेट को इनेबल करेगा, और जैसे ही गेट इनेबल होगा तो ये सोर्स से फिर दूसरे मॉस्फेट के सोर्स पे चला जाएगा, और दूसरे मॉस्फेट के अगर सोर्स पे जाएगा तो ये भी हमारा
एन चैनल का ही मॉस्फेट होता है। तो एन चैनल में अगर इसको रिवर्स में यूज करें तो यहाँ पे गेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, अगर ये गेट इनेबल हो या नहीं हो ये आउटपुट यहाँ पे 19 वोल्ट कर देगा। अब यहाँ पे गेट इनेबल दिया हुआ है तो जैसा ही इसका गेट इनेबल होता है तो इसका भी गेट हमारा साथ साथ में ही इनेबल हो जाता है, अगर नहीं भी होगा तो भी ये आउटपुट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पीआर रजिस्टर लगा हुआ है जिसको हम लोग कॉमन पॉइंट डीसी वेट आउट पावर एसआरसी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे 19 वोल्ट पहुंच जाता है। बस यहाँ तक वोल्टेज हमारा पहुंच गया और वोल्टेज सेक्शन का काम खत्म हो जाता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये काफी सिंपल लग रहा है, और जो नीचे है ये हमारा डिस्चार्जिंग मॉस्फेट है जो डिस्चार्जिंग करने का काम करता है। तो जब हम बैटरी सेक्शन बताएंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यहाँ से फीडबैक के लिए इस आईसी पे दो पिन कनेक्टेड होता है। अब ये दोनों पिनों का वर्क क्या होता है, तो एक बताता है वोल्टिंग, जब वोल्टिंग का हमारा वोल्टेज 19 वोल्ट आता है तो आईसी को फीडबैक मिल जाता है तो पता चल जाता है कि वोल्टिंग सेक्शन हमारा वर्क कर रहा है। और जब ये डिस्चार्ज होता है तो भी हमारा बैटरी का भी यहाँ पे पावर आता है, और फिर उस टाइम भी इस आईसी को पता चल जाता है कि अभी हमारा लैपटॉप बैटरी से चल रहा है या एडाप्टर से चल रहा है। तो इस तरीके से इसको फीडबैक मिल जाता है। लास्ट में यहाँ से आपका एसी ओके फीडबैक निकलता है जो आपके आयो में या फिर किसी अदर सेक्शन का इनेबल बनता है। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे इसको सीमेटिक से ट्रेसिंग कर सकते हैं, और जो सीमेटिक से ट्रेसिंग होता है वो हमारा कंप्लीट होता है क्योंकि अलग अलग बोर्ड में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है जिसको हम सारे डायग्राम में बना करके कंप्लीट नहीं दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको सीमेटिक रीड करना आना चाहिए तभी आप किसी भी बोर्ड के कंप्लीट चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा वोल्टिंग सेक्शन काम करता है। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें और लोगों तक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको लाइव ट्रेसिंग करके दिखाएंगे सीमेटिक डायग्राम के द्वारा। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग एसी फ्रिज कूलर मोबाइल रिपेयरिंग ये सारे चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं।